तो अब तक आपने देखा डिकरो की नानी उससे घर पर मिलने आती है, और जैसे ही वो आती है तो गांव से उनको फोन आ जाता है कि कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया है। तो जैसे ही वो वहां से निकलने को होती है उसी वक्त शहर में लॉकडाउन लग जाता है, और डिकरो की मम्मी उससे जिद करती है कि वो अपनी डिकरो ले जाए और नानी को गाँव छोड़ाए। और गांव जाते वक्त डिकरो और उसकी नानी को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि उनकी गाड़ी ठुक जाती है, तो कभी उनकी गाड़ी में चोर आ जाता है, तो कभी गाड़ी खराब हो जाती है। राहुल तेजस्वी चिद्दी गाड़ी में पानी डालने के लिए पानी लेने जाते हैं, और डिकरो भी गाड़ी के किसी काम से चला जाता है, पर जब वो आकर देखते हैं तो नानी वहां से गायब होती है। और अब आगे। अबे नानी कहाँ है? अरे हमने तो सोचा नानी तेरे साथ है। अबे पागल है क्या? नानी को तो गाड़ी के पास छोड़ गया था, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अबे नानी कहीं खो तो नहीं गई? अबे यार ढूंढो ना नानी को, ढूंढो। तेरे को बोला था ना मैंने नानी के पास रहियो। अरे भाई मैं तो नानी के साथ ही था, बस तार खराब हो गई थी, तार लेने गया था। अब तेरे को क्या पता रहा नानी चली जाएगी। यार चलो ढूंढो यार। ओए ये क्या है? ओ इधर आओ, मेरे को कुछ मिला। तू भी आ। क्या है ये? या लीली यस पिस किस पिस की अम्मा भाई, इसमें तो अरेबियन में कुछ लिखा हुआ है। अबे ओ मन बुद्धि, तूने उल्टा पकड़ा हुआ, ये दिखा मेरे को। तूने भी उल्टा पकड़ा है। सॉरी। तुम्हारी नानी को मैंने अरे भाई हमारी नानी किडनैप हो गई। डिकरो आप क्या करेंगे? अरे मुझे क्या पता, हमारी नानी किडनैप हो चुकी है यार। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरे को कहा था ना नानी का ध्यान रखियो। अबे ओ भाई मैं नानी के पास ही था, वो तो गाड़ी का एक पार्ट खराब हो गया था, वो लेने गया था। मुझे क्या पता रहा नानी किडनैप हो जाएगी। भाई इसमें लिखा हुआ था ना थोड़ी देर में फोन करूंगा। अबे थोड़ी देर में फोन करूंगा, उसका नंबर थोड़ी मेंशन है। गाइस एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, सारे जाते हैं अलग अलग जगह नानी को ढूंढते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। ठीक है ना, चलो आ जाओ। नानी अरे लड्डू कौन खिलाएगा अब? राहुल नानी मिले क्या? नहीं मिले। नानी आप कहाँ चले गए? नानी 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 कहीं मिली नहीं रही है यार। तेजस्वी नहीं यार, मुझे तो नहीं मिली। नानी 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 अरे यार कहाँ चली गई मेरी नानी? हेलो डिकरो, कौन बोल रहा है? मैं वही जिसने तुम्हारी नानी को राहुल तेजस्वी जल्दी आओ, क्या हो गया? होना है उसकी तो अभी आया। अरे जल्दी आओ। अरे क्या हो गया? अरे भाई वे ये कौन रह गया? वे क्या हो गया? अरे भाई किडनैपर का कॉल आया है। अरे तो उठा ना। अबे उठाया हुआ है पहले से यार। मतलब कि किडनैप किया है? अबे साले नीच कुत्ते आदमी, तेरी हिम्मत के सोई में नानी को किडनैप करने की? साले कुत्ते के बच्चे कीड़े पड़ेंगे तेरे को, कुत्ते की बहुत मरेगा तू। सुअर कहीं का मजा कहीं जाके। हाँ तेरे बच्चे अनाथ पैदा होंगे अनाथ। डिकरो अगर मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ तो तुम भी मुझसे प्यार से ही बात करो। ये क्या एक्शन फिल्मों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हो हीरो की तरह? अबे चिल्ला के बात नहीं करूंगा तो आराम से बात करूंगा क्या? तूने मेरी नानी को किडनैप करा है, मेरी नानी को। अबे शुक्र मना कि सिर्फ तेरी नानी किडनैप करी है, ज्यादा बोलेगा ना तो पूरी गैंग किडनैप कर लूंगा मैं। अरे किडनैपर भाई आप ये बताओ आपको चाहिए क्या? मुझे वो चाहिए। वो नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल भी नहीं। हम नहीं देंगे, पागल है क्या तू? अरे अपुन को मांगता पेटी। अच्छा पेटी कोट चाहिए इसे, पेटी कोट पेटी कोट।
अरे मन बुद्धि पेटी मतलब पैसा रोकड़ा, पैसा मांगता मैं को। ए बुढ़िया किसका नंबर दिया तूने मुझको? बेटा मैंने तो अपने प्यारे नाती का नंबर दिया है, मेरी बात तो करा दे जरा उसे। अरे चुप। अरे बड़ा निकम्मा किडनैपर है ये, मेरे नाती से भी मेरी बात नहीं करवाता। सुन डीकरो, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तू 5 लाख रुपए मुझको दे दे और अपनी नानी को यहाँ से ले जा। 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपए ये कहाँ से आएंगे? अरे भाई इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आएंगे हम, इतने के तो मेरे डीकरो भी नहीं है, इसको बेच के पैसे ले आऊं। अच्छा किडनैपर भाई आप ये बताओ आपको 5 लाख रुपए चाहिए क्यों? अरे यार मैंने ना ऑल्टो गाड़ी ली थी संतरी कलर की CNG में, तो उसकी ना किस्तें बननी है, तो यार दे देना यार देख। अबे किडनैपर तो भिखारी निकला यार, इसको ऑल्टो की किस्त भरनी है, वो भी CNG वाली संतरी कलर की। लगता है इसकी पहली किडनैपिंग है ये। सही कह रही है। सुन बे अगर तूने 5 लाख रुपए मुझको नहीं दिए तो तेरी नानी वरना हेलो हेलो आगे बता। अबे यार इसने पूरी बात बताए बिना फोन काट दिया, अब क्या करेंगे? पता नहीं भाई, भाई मेरी नानी किडनैप हो गई यार। अरे यार तू चुप हो जा, हम कुछ करेंगे ढूंढेंगे नानी को। हाँ यार तू मत रो मैं जुगाड़ करूंगा। चलो सारे मिलके एक बार ढूंढ लेते, चलो फिर से ढूंढेंगे। अरे पहले ये सोचो 5 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से। हाँ यार 5 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, कि अपने डीकरों के बेच के 5 लाख का अमाउंट जुगाड़ कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं ना एक बंदे को जानता हूँ जो 5 लाख रुपए का इंतजाम कर सकता है। कौन है वो बंदा? अरे 5 लाख रुपए वो नकली नोट देगा मेरे को, मैं उसको बस 20 रुपए दूंगा, वो मेरे को 5 लाख रुपए नकली नोट देगा। अबे वही तो नहीं है नकली नोट वाला। हाँ तो एक काम करते हैं ना, हम तेरी नानी को ढूंढते हैं, तू एक काम कर 5 लाख का जुगाड़ करके आ जा। ठीक है ना, चलो चले चलो जाओ। सुन ले बुढ़िया, अगर तेरे नाती ने उसको पैसे नहीं दिए तो मैं उसको कैसा किडनैपर है रे तू? तेरे माँ बाप ने तेरे को बिल्कुल तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? सॉरी नानी जी गलती हो गई, पाए लागू कुछ लाऊं खाने के लिए? जा पानी लेके आ। जी जी। बड़ा है किडनैपर। ये लो नानी पानी। हाँ ले आया पानी, दे। ओए होए क्या है, किडनैपर तो निकम्मा है ही है, उसकी टीम भी सारी निकम्मी। देखो पानी देना भी नहीं आता, गिरा दिया मेरे कपड़ों पे, सारे कपड़े भिगो दिए। जल्दी से जाओ मेरे लिए कपड़ों का इंतजाम करो और एक कप गर्मा गर्म चाय का भी इंतजाम करो, भागो यहाँ से। ठीक है नानी। पर नानी आप ना मेरी शिकायत मेरे बॉस से मत करना। जल्दी से जाओ, जल्दी से आओ नहीं करूंगी, भाग। नानी तो मिली नहीं, क्या करे? तू बता क्या करे। एक काम करते हैं, तेजस्वी तू लंबी है तू उस तरफ जा ढूंढने के लिए, सिद्धि तू मोटा है तू उस तरफ जा, और जो फिट वाले होंगे मेरे पीछे आ जाएंगे। जाओ जाओ जाओ। क्या हो गया आजकल के बच्चों को? नानी भगवान जी प्लीज मेरी नानी को मिलवा दो, फिर ना मैं किसी का कॉम्प्लेन नहीं पीऊंगी, मैं किसी से छीन के कॉम्प्लेन नहीं पीऊंगी, मैं सिर्फ खुद का कॉम्प्लेन पीऊंगी। प्लीज भगवान जी नानी दे दो, पता नहीं मेरी नानी कहाँ होगी, कैसी होगी। नानी नानी नानी, ए गॉड बजरंग वाली जी आप मेरी नानी ढूंढवा दो। मैं ना एक वक्त का खाना छोड़ दूंगा, 3 वक्त खाऊंगा लेकिन देख ले। हाँ ढूंढवा दो, 11 रुपए की बूंदी भी चढ़ाऊंगा, लव यू, ढूंढवा दो। नानी नानी, हे भोलेनाथ प्लीज मुझे मेरी नानी से मिलवा दो, प्लीज भोलेनाथ प्लीज।
नानी का ध्यान रखा? हाँ बॉस। नानी जी, सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने आपको किडनैप करा। अच्छा। देखिए नानी, मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी कि मैं आपको किडनैप करके यहाँ पे ऐसे बांध के रखूँ। मेरी भी अपनी मजबूरी है, मेरी ना आपसे दुश्मनी है ना आपके नाते से। देखिए नानी, मुझे बस मेरे 5 लाख रुपए से मतलब है। जैसे ही आपका नाती मुझको मेरे पैसे दे देगा, आप यहाँ से जा सकती हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो 5 लाख का क्या करोगे? अरे नानी, ऑल्टो की किस्त जो भरनी है CNG वाली, वो जो बेस मॉडल आया अभी, तुझसे पूछा? सॉरी बॉस। चुप कर, खड़ा रह, चुपचाप। बॉस खड़ा ही तो हूँ। तो नानी, रुको बेटा, मैंने तुमको नाती माना, तुम मुझे नानी बोल रहे हो, तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कोई नानी को ऐसे बांध के रखता है क्या? देखिए नानी, मैं आपको खोल तो रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। मैं तो नहीं भागूंगी बेटा, लेकिन मेरा नाती जरूर आएगा मुझे छुड़वाने के लिए। नानी, नानी, चारों तरफ देखिए, यहाँ पे पिंजरे लगे हुए हैं। अगर आपने यहाँ से भागने की कोशिश भी करी ना, तो भी आप नहीं भाग पाओगे। यहाँ पे आपका नाती तो क्या, पुलिस वाले भी नहीं आ सकते। मेरे मर्जी के बिना यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अरे बॉस, तो ये क्या है फिर? बचपन का दोस्त है मेरा, वो बचपन से ध्यान रखा उसने मेरा। कोई भी जरूरत होती थी उसने पूरी करी है। कुछ भी मतलब कुछ भी। खैर, ये सब छोड़िए। तो नानी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मेरा बंदा पीछे खड़ा है, आप इसको बेझिझक बोल सकती हो। ठीक है। नानी का ध्यान रखना। ठीक है बॉस। चलिए नानी, मैं एक जरूरी काम करके आता हूँ, तब तक आप बैठिए। सुनो बेटा, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। हाँ हाँ नानी, बोलिए। मेरा दवाई लेने का टाइम हो रहा है और बिना खाए पिए मैं दवाई नहीं ले सकती हूँ, तो इसलिए मुझे जूस और खाना मंगवा दो, ताकि मैं अपनी खाना खाने के बाद दवाई खा सकूँ। ठीक है बॉस, समझ गया मैं। yes! नानी ये कर देगा। किडनैपर के भतीजे, तुम्हारा नाम क्या है? कबूतर। कबूतर वही वाला जो मैं पर 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 करके गया था। जा मेरे लिए खाना लेके आ जल्दी से। अब आएगा मेरा नाती मुझे छुड़ाने के लिए, और ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं चली जाऊंगी आजाद पंछी बनके। चिद्दी, चिद्दी जल्दी तरा, रेशमी जल्दी आ। हाँ क्या हुआ? अरे ये देखो यार, नानी की सैंडल, चल 150 रुपए में बेच देते हैं। अरे पागल, नानी का सैंडल यहाँ पर मिला है तो मतलब नानी आसपास ही है। अरे भाई आसपास मतलब नानी हमारे लिए क्लू छोड़ती हुई जा रही है, ऐसे क्लू हमें और ढूंढने और नानी को लेके आना है। अरे राहुल तू आ गया, तेरे को वो नकली नोट मिले? ले आए तू पूरे 5 लाख? भाई सारे पैसे ले आया। अबे तू भाई थोड़े उधार देते करना। भाई ये पक्का नकली नोट है ना? हाँ भाई, ये देखना, ये लिखा चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ठीक है ठीक है, तो चले, देर किस बात की है? हाँ चलो, जाना कहाँ है? अरे भाई ऐसे और क्लू ढूंढेंगे, नानी मिल जाएगी, तो चले। चलो चलो चलो। नानी, नानी लो खाना। ये खाना लाए हो तुम मेरे लिए? इतना गंदा खाना खाऊंगी मैं, उठा के ले जाने तो फेंक दूंगी। और जूस कहाँ है? अरे नानी वो जूस ना, वो रास्ते में आता था, गिर गया वहीं पर। मंद बुद्धि का मंद बुद्धि रहेगा तू। नानी खाना तो खा लो।
इतना गंदा खाना मैं नहीं खा सकती, ले जाओ उठा के इसको, नहीं तो मैं फेंक दूंगी। अरे नानी ये गंदा खाना नहीं है, ये शोशोपुल हवेली का खाना है और ऊपर से मैंने अपने हाथों से बनाया है। सच्ची में? हाँ। शोशोपुल हवेली का है? अरे हाँ नानी। फिर तो अच्छा होगा। हाँ, फिर मैं खा लूंगी। अरे ये क्या कर रहे है तू? अरे नानी मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ। पर क्यों वीडियो बना रहा है तू? अरे आपके नाती को जो भेजना है, और हाँ आपको जो बोलना है ना वो इस वीडियो में बोल लो। कुछ भी बोल सकती हूँ? कुछ भी बोल दो। ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो यार किसका फोन आ गया। अरे भाई फोन नहीं आया, वो किडनैपर ने कोई वीडियो भेजी है व्हाट्सएप। वीडियो भेजी? देख देख कहीं नानी की हो, मुझे लगता है सब ठीक ठाक हो गए। अरे भाई मेरी नानी, मुझे किसी तरह कोई तकलीफ नहीं है, ये लोग मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं। अच्छा अब तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, बारी बारी से। तेजस्वी तुम कम्प्लान सबके हिस्से का नहीं पियोगी, सबसे मिल बांट के पियोगी, ठीक है? और चिद्दी तू बहुत बदमाश है, बदमाशी करना बंद कर। और राहुल तू बहुत शैतान हो गया है, शैतानी नहीं करना समझे, मैं नहीं तो आके तुम्हारे कान खींचूंगी अच्छे से। और मेरे प्यारे डिकरा तू मेरी बात ध्यान से सुनियो, तू रात को जो सोने के टाइम वो सो पूल में जाता है ना स्विमिंग करने, वहाँ मत जाना। हाँ हाँ वही पूल हवेली के पीछे वाला, वहाँ मत जाना, ठीक है? मैं ठीक ठाक हूँ वहीं पर, ओके ठीक है? भाई तुमने कुछ सुना? हाँ। क्या? नानी उदास है बहुत। नानी हमें याद कर रही है। अरे उदास नहीं, नानी ने अपना एड्रेस बता दिया। पागल वागल है क्या यार तू, एड्रेस कैसे बता देगी नानी? नानी तो हमारी तारीफ कर रही थी। रुको मैं वीडियो रिवाइंड करता हूँ, ध्यान से सुनना। और मेरे प्यारे डिकरा तू मेरी बात ध्यान से सुनियो, तू रात को जो सोने के टाइम वो सो पूल में जाता है ना स्विमिंग करने, वहाँ मत जाना। हाँ हाँ वही पूल हवेली के पीछे वाला, वहाँ मत जाना, ठीक है? मैं ठीक ठाक हूँ वहीं पर। अरे भाई कुछ समझे? हाँ हाँ हम दोनों को बिल्कुल समझ आ गया। अच्छा क्या समझे तुम लोग? कुछ नहीं। अरे ध्यान से सुनो यार, सो जहाँ मैं सोता हूँ पूल के पीछे हवेली। अरे भाई सोसियो पूल हवेली, और ये हवेली तो हमारे घर के पास में ही है। ये तो अपने घर के पीछे ही है, मतलब हमारी नानी पास में ही है। चलो चलो चलो। हाँ चलते हैं। उस किडनैपर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत के सोए भी नानी को किडनैप करने की। चटनी बना देंगे चटनी। हाँ साले के मुंह पे नकली नोट भी मारू, साले के चप्पल मारू घिसेड़ के होठों पे। चले चलो चलो। अरे भाई नानी हो रही, नानी 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 मैं आ रहा हूँ। हेलो बॉस जल्दी आओ, ऑल्टो की किस्त आ गई। ये बॉस है इसका? अबे ये तो चिरकुट से शकल का है, ये मुझे तो रामलीला का रावण लगता है। अबे इनका बॉस है ये, चुप करो। अच्छा तो आ गए तुम चारों लंगूर, पैसा लाए मेरा। ये क्या बैग भर के लाया मैं? चलो लाओ पैसा दो। तुम पहले नानी दो। हाँ पहले तुम नानी दो फिर हम पैसे देंगे। हाँ एक हाथ से नानी दो एक हाथ से बैग लो। पैसा दे रहे हो या तुम्हारी नानी को? नहीं 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 पैसे दे रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई दे दूं पैसे। एक काम करो एक हाथ से पैसे लो एक हाथ से नानी दो। ठीक है जाओ कबूतर। नानी नानी आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया एकदम। नानी हम सबने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। और आपका सैंडल वाला क्लू हमें बाहर मिल गया था। मैंने काफी क्लू छोड़े थे। हाँ हमें पता है हमारी नानी बहुत समझदार है। वाओ नानी यू आर सो स्मार्ट।
मैं तो पैदाइशी स्मार्ट हूँ और फिर स्मार्ट नाती होगी स्मार्ट नानी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना नानी? ना, मेरा इन्होंने बहुत ध्यान रखा, बहुत प्यार से रखा, मेरी हर इच्छा पूरी की। हाँ भाई देख लो, हमने तुम्हारी नानी को बिल्कुल अपनी नानी की तरह रखा था, एकदम ढंग से रखा था, कोई चोट नहीं आने दी उन्हें। हाँ तुम भी नोट देख लेना, असली है नकली। पागल है क्या? चक्कर चक्कर चक्कर। चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। अरे बॉस ये तो नोट नकली है। क्या? अच्छा भाई हम चलते हैं। ए ए रुको, ये पैसे तो नकली है। मैंने कहा था मत बोल, स्वादी ना तूने। अबे राहुल कुछ तो कर राहुल, ऐसे कुछ तो करो। चल चल मेकअप दे मेकअप, अब तुम लोग नहीं बचोगे। ए रुक, पांग अटैक। क्यों बे कैसी लगी? आगे स्वाद। सालो मेरी नानी को किडनैप करोगे तुम, देख लूंगा दोनों को। कहा था ना मेरे नाती आएंगे मुझे छुड़ा के ले जाएंगे, देखो छुड़ा लिया ना, तुम कुछ नहीं कर पाए। आए बड़े हमारी नानी को किडनैप करने वाले, अब खुद ही किडनैप होके बैठे हैं। बेटे बच्चा समझ रहे थे, ये देख छटा बदमाश छटा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। अबे चल पहले पकड़ के तो दिखा। आजा आजा पकड़ के दिखा। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ नानी फाइनली आपका घर आ गया। आखिरकार अपने घर हम पहुंच ही गए। वो कहावत है ना, जो सुख छज्जू के चुबारे, ना बुल्क ना बुखारे। क्या इसका मतलब क्या है नानी? इसका मतलब ये है कि आप चाहे कितने विदेशों में घूमाओ, सबसे बढ़िया जगह में घूमाओ, लेकिन जो सुख आराम अपनी झोपड़ी में है, अपने घर में अब कहीं नहीं है। हाँ नानी ये बात तो ना आपने 100% सही कही है। अच्छा नानी आपको गाँव तो आ गया, हम भी चलते हैं अपने घर। अरे बच्चों आप थोड़ी देर बैठो, इतनी दूर से हम लोग ट्रैवल करके आए, कितनी मुसीबतें झेली हैं रास्ते में, थोड़ा आराम करो, ठंडा वंडा पियो, उसके बाद फिर चले आना। तो ठीक है नानी, 2 दिन के लिए रुक जाते हैं हम। ठीक है नानी फिर आएंगे हम। ठीक है ठीक है बेटा। हाँ नानी वो क्या है ना, घर पे मम्मी भी अकेली है तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। हाँ बेटा ये बात भी तुमने अच्छी बोल दी कि मैं, मेरी बेटी है, मैं उसको अकेला ज्यादा देर छोड़ना पसंद नहीं करूँगी, इसलिए तुम लोग जा सकते हो। हालांकि मेरा मन अंदर से बिल्कुल नहीं चाहता है, मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूँगी। हाँ नानी वैसे हमारे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर क्या करे जाना तो पड़ेगा। ओके नानी बाय बाय। बाय नानी। बाय नानी, दोबारा जल्दी आना। ओ डिकरा बेटा इधर आ। हाँ नानी। बेटा ये देख, ये तेरे लिए मैंने स्पेशल बनवाया है, जब कभी तुमको कोई परेशानी हो तुम याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ आऊंगी। थैंक यू नानी। ये तेरा, जल्दी आना ठीक है। बाय बाय नानी, जल्दी मिलेंगे। बाय बाय बाय। अरे रामू कहाँ मर गया? अरे मेरी भैंसे नहीं दिख रही है, उनको चारा डाला करी डाला, मैं गांव से क्या निकल गई, इसकी तो चांदी हो गई, ना भैंसों का ध्यान रखा, ना चारा डाला, ना पानी डाला कुछ। हेलो गाइस, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हाँ कमेंट जरूर करा करो यार, कमेंट नहीं करते, कमेंट भर दो इस बार ठीक है। और हाँ गाइस थैंक यू सो मच 5 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए। 5 लाख गाइस बहुत बड़ा नंबर होता है मेरे लिए और आपके लिए भी होगा, तो थैंक यू सो मच 5 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए। और 5 लाख के लिए हम क्या करें नया, चलो आपके लिए एक और वीडियो लेके आता हूँ जल्दी 5 लाख के लिए ठीक है। जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तो सबको बताएं मैं एंड में क्या बोलता हूँ। हर हर महादेव।